सबसे पहले प्रियंका कक्कड़ जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, लोकतंत्र की जीत करार दिया जा रहा है, अब सब कुछ ठीक है? क्योंकि इसके पहले कई बार हमने सुप्रीम कोर्ट पर भी या न्यायपालिका के फैसलों पर भी विपक्ष को तंज कसते हुए देखा था, तो आज का ये फैसला बहुत बड़ी राहत लेकर आया है आप लोगों के लिए? चित्रा जी सभी को नमस्ते। आज सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं पूरे देश के लिए जीत है। किस तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से भाजपा ने लगातार लोकतंत्र की हत्या की कोशिश की है वो हम सबने सुप्रीम कोर्ट के आगे देखा, और सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। आपने ये भी देखा कि मस्सी तो फंस गया, मस्सी तो पकड़ा गया, पर मस्सी के पीछे कौन थे हमें वो भी सोचना होगा, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो अकेले इतने सक्षम नहीं हो सकते कि इतनी बड़ी चीटिंग कर ले कि कैमरा के अंडर आठ, साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आठ वोट जो मस्सी ने इनवैलिड डिक्लेयर किए, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे वो सब के सब वैलिड थे, और सब के सब कुलदीप कुमार जो आम आदमी पार्टी का मेयर कैंडिडेट था, जो इंडिया अलायंस के मेयर कैंडिडेट थे, वो जीते थे। तो ये एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी थी जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल रद्द कर दिया। वो आठों वोट आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के फेवर में गिने गए, हमारी जीत हुई, साथ में मस्सी को भी प्रोसिक्यूट करने को कहा गया। ये हिस्टोरिक दिन है हमारे देश के लिए, ये देश इतिहास के पन्नों में जाएगा, क्योंकि आज तक पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कैमरे पर इतनी बड़ी धांधलेबाजी पकड़ी गई हो और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में इतनी तुरंत आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत इस पर कार्रवाई की। बहुत बहुत आभार है सुप्रीम कोर्ट का। यकीनन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दिया था। सुजाता पांडे जी अब सीधे आपके पास आते हुए, रिटर्निंग ऑफिसर ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला, आज कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया है एक अधिकारी की ओर से चुनाव के मामले में धांधली की जाएगी, आज का ये फैसला एक बहुत बड़ी नजीर है उन लोगों के लिए भी जो चुनाव में धांधली को एक विषय बनाते हुए और फिर अपनी जीत को सुनिश्चित करते हैं। बीजेपी को तो मुंह की खानी पड़ गई ना इस पूरे मामले में। सुजाता पांडे जी, आप या पैनल पे बैठे कोई भी गेस्ट क्या ये बता सकते हैं कि ये जो रिटर्निंग ऑफिसर थे ये बीजेपी के कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनके पेरोल पे काम कर रहे थे, या ऐसे की जानकारी हो तो आप साझा कर दीजिए टेलीविजन चैनल पे, सबको पता है। देखिए सब पता तो आपके लिए तो बहुत है, थोड़ा बैठिए बताती हूँ। और उसके बाद जहां तक प्रियंका जी ने कहा कि ये हिस्टोरिक दिन है, हाँ हिस्टोरिक दिन तो है क्योंकि एक धांधली पकड़ी गई और जो भी जिसकी भी ये साजिश थी वो उसको कोर्ट ने आदेश दिए हैं, आई थिंक दैट इज फेयर एंड क्लियर। उसका पार्टी ने कोई समर्थन नहीं किया है, लेकिन हाँ उसमें हिस्टोरिक जरूर है जबकि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर और वो पार्टी जो कि शराब घोटाले, जो 144 करोड़ के शराब घोटाले में मुंह से लेकर नीचे तक दबी हुई है, तीन नेता जेल में है, बेल नहीं मिल रही है, वैसे नेता ईमानदारी की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं। ईडी का समन आता जा रहा है, ईडी का समन को कहते हैं कि बीजेपी का समन है और कहकर उसका ठुकरा देते हैं। चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर कहता है कि ईडी सीबीआई जो भी है वो विद्वेष का काम कर रही है। मैं तो बताऊंगा ही नहीं जी, जो अलग हर दिन हर चैनल पे एक नया सबूत छोड़ते हैं कि ये पार्टी उसको खरीद रही है हमारे, लेकिन आज तक एक सबूत नहीं पेश कर पाए। आज तक शराब घोटाले की जो जितनी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की खुद की टिप्पणी है कि सत्येंद्र जैन के मामले में और मनीष सिसोदिया के मामले में मनी ट्रेल मिला है। अभी जरा आज के फैसले पर रहते हैं सुजाता पांडे जी, चूंकि रिटर्निंग ऑफिसर ने जिस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया था उससे बीजेपी को फायदा हुआ था, इसी वजह से राहुल गांधी की ओर से ट्वीट किया गया है। देखिए मैं एक बार फिर से वो बोल रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या की भाजपाई साजिश में मसीह मोहरा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम वो ले रहे हैं इसमें, वो कह रहे हैं कि पीछे मोदी का चेहरा है, काफी टिप्पणियां करते रहे हैं। और ये देखिए कि उनके जो नए नवेले तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है वो जाके सत्ता में बैठने के कुछ दिनों बाद अदानी के साथ में ही समझौता कर लेते हैं, अग्रीमेंट साइन करते हैं। राजस्थान में भी वैसा ही हुआ, तो उनकी बात तो उनके पार्टी के मेंबर्स खुद ही नहीं मांग रहे, पार्टी टूटती जा रही है तो उनकी बातों पे मैं क्या कमेंट करूं। लेकिन क्वाइट रिच चित्रा जी कि ये लोग जो लोकतंत्र की हत्या वगैरह वगैरह ये भारी भरकम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बंगाल के मामले में चुप क्यों हो जाते हैं? क्या लोकतंत्र सिर्फ चंडीगढ़ में है और बंगाल देश का हिस्सा नहीं है? ठीक है, बंगाल वाले मुद्दे पर आऊंगी मैं, ठीक है अभी इसी पर रहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ये लोग लालू प्रसाद को मसीहा बताते हैं, वो लालू प्रसाद जो कि बूथ कैप्चरिंग और बैलेट पेपर लूट के मामले में एक तरह से जंगल राज स्थापित किया उसको उस मसीहा बताते हैं, तब लोकतंत्र की हत्या नहीं होती थी, आज भी नहीं होती, जब वो मतलब वो आदमी उसको कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया है फिर वो मसीहा है। और आज चंडीगढ़ बीजेपी
ठीक है, कुछ तकनीकी दिक्कत भी आ रही है आपके ऑडियो में, मैं फौरन लौट रही हूँ।